चीन और पाकिस्तान को जिस बात का था डर वो हो गया है सच। जापान के G7 समिट पर लगा हुआ था चीन का पूरा ध्यान, उधर मोदी ने चुपके से लगा दिया वीटो का जुगाड़, बंद कमरे में UN चीफ के साथ कर डाली सीक्रेट मीटिंग, तो दूसरी तरफ चीन की दुखती रग पापुआ न्यू गिनी में कर डाला बड़ा खेल। दोस्तों आने वाले दिनों में भारत बड़ा ग्लोबल गेम करने वाला है। भारत पिछले महीनों से ही UNSC में लगातार स्थायी सीट को लेकर के साथ ही वीटो पावर को लेकर के भी गदर मचाए हुए था, आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है भारत ने और इस संगठन को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। और अब पीएम मोदी 6 दिनों के 3 देशों के दौरे पर हैं और उससे दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अब बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। यहां तक कि दोस्तों अब दुनिया में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि UNSC में रिफॉर्म अब आने वाले ही हैं, वो भी बहुत बड़े बदलावों के साथ में, जिसमें सभी देशों की स्थायी सदस्यता भी जा सकती है। दोस्तों जापान के G7 समिट के दौरान सबसे खास बात जो रही वो ये कि पहली तो बात ये कि पीएम मोदी ने UNSC में वीटो पावर और UN की परमानेंट मेंबरशिप के लिए UN के चीफ एंटोनियो गुटरेस के साथ एक बंद कमरे में सीक्रेट मुलाकात की है। और दूसरी अहम बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी के साथ फेस टू फेस मुलाकात की है और इससे रूस को एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया है। जेलेंस्की ने इससे पहले दुनिया को कहा था कि सभी देशों में सिर्फ पीएम मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और दोस्तों वो ही परमाणु युद्ध की तरफ जा रही दुनिया को बचा सकते हैं। वहीं दोस्तों G7 समिट में पीएम मोदी ने एक और बड़ा काम किया है और वो काम है UN चीफ से मिलकर के वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी को दोहराना। फिलहाल भारत UN रिफॉर्म्स को लेकर के बड़े मुद्दे उठा रहा है। UNSC के वीटो पावर रखने वाले 5 देश अंदर ही अंदर ये बात कह रहे हैं कि बेशक भारत को UN का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए लेकिन वीटो पावर ना दिया जाए, ये सिर्फ इन्हें 5 देशों के पास रहे और यही बात भारत को चुभ चुकी है। पहले भारत सिर्फ अपनी दावेदारी कर रहा था लेकिन अब भारत ने पूरे UN को ही चेतावनी दे डाली है कि या तो UN में उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए और वीटो पावर दिया जाए, वरना वो इससे लात मार करके बाहर हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को लेकर के भी बड़ा खेल कर दिया है क्योंकि इनको तो कोई रिप्रेजेंटेशन अब तक मिला ही नहीं है। और बड़ी बात इसी को लेकर के है कि भारत अब UN जैसा ही एक और बड़ा संगठन खड़ा करने की ओर आगे बढ़ सकता है, यानी UNSC में इसके बाद तगड़ा खेल शुरू हो चुका है। और दोस्तों दावा किया जा रहा है कि आने वाले G20 समिट में भारत इस मामले में कोई बड़ा गेम करने वाला है और इसी मुद्दे पर पीएम मोदी और UN चीफ एंटोनियो गुतरेस के बीच में एक बंद कमरे में बैठक हुई है। हालांकि क्या बातचीत हुई, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस हुए, इसको लेकर के खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुलाकात सिर्फ UN में भारत की एंट्री को लेकर ही थी, यानी जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। और दोस्तों इसके संकेत भी दिखने शुरू हो चुके हैं क्योंकि इसके बाद एंटोनियो गुतरेज ने साफ कह दिया है कि वो रिफॉर्म्स का सपोर्ट करते हैं और अब ये रिफॉर्म्स हो करके ही रहने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों G7 देशों ने संकेत दिया है कि इस ताकतवर संगठन का अगला मेंबर भारत होने वाला है और इसके साथ ही इसका नाम भी G7 से D10 होने वाला है, यानी कि डेमोक्रेसी 10। और इसमें 2 और देश चीन और ब्राजील भी भारत की वजह से शामिल हो सकते हैं। दोस्तों भारत का इस संगठन में शामिल होने से क्या फायदा होगा, इससे बड़ी बात यह है कि इस संगठन में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी ने चीन के परों को कतरना भी शुरू कर दिया है जो UNSC में भारत के लिए रास्ता रोके खड़े थे। यानी भारत के वीटो पावर वाले रास्ते में चीन जिस तरह से रोड़े अटका रहा था, भारत ने अब चीन के उन्हीं पैरों को काटना शुरू कर दिया है जहां से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का एक जरिया बना रहा था। और दोस्तों आने वाले दिनों में चीन जिस जगह पर कुछ बड़ा काम करने वाला था वहां पर मोदी ने धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने पापुआ गिनी के अंदर एक बड़ा गेम सेट कर दिया है। ये देश भारत से 7 गुना छोटा देश है लेकिन इस देश के पास इतना सोना चांदी और तांबे का भंडार है जिसको लेकर के चीन की गिद्ध नजरें यहां पर थी। लेकिन दोस्तों अब भारत ने यहां पर एक बड़ा गेम कर दिया है। हालांकि इससे पहले चीन इस देश के साथ एक बड़ी डील कर चुका है और भविष्य में भी वो बड़ी डीलें करने वाला था, लेकिन भारत भी दुश्मनों की रग रग से वाकिफ है। भारत जानता है कि चीन क्या करने वाला है और कैसे उसके पर कतरने हैं। लिहाजा आपने खुद देखा है कि जब मोदी की इस देश में एंट्री होती है तो पूरी दुनिया में धमाका मच जाता है क्योंकि भारत जानता है कि केवल 60 लाख की आबादी वाला पापुआ न्यू गिनी देश भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए सोने चांदी और तांबे का
बड़ा भंडार है और यही देश यूएनएससी में भारत के लिए एक बड़ा गेम सेट करने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह दौरा तब किया है जब भारत एक तो यूएनएससी के अंदर बड़ा गेम कर रहा है और दूसरी ओर पापुआ न्यू गिनी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है और चीन यहां पर बड़ा गेम कर रहा था। और दोस्तों, इसी की वजह से ये क्वाड कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्वाड देशों में भारत भी शामिल है। दोस्तों, क्वाड देशों ने इस देश को इग्नोर किया जिससे चीन को फायदा मिल गया, लेकिन अब इससे अमेरिका भी टेंशन में है और भारत ने अब यहां पर एंट्री ले ली है। भारत ने एक ही तीर से यहां कई निशाने लगा डाले हैं। दोस्तों, भारत ने यहां पर जो जो सीक्रेट डील्स की हैं वो दुनिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही है कि भारत यहां पर अपना नेवल बेस बनाने वाला है जिससे चीन का पूरी तरह से गला घोंट दिया जाए, क्योंकि चीन के तमाम जहाज इसके पास से गुजरते हैं। लिहाजा चीन यहां पर बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब कट कर दिया है। तो वहीं दोस्तों, भारत आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी ताइवान और साउथ कोरिया के साथ में बड़ा गेम करने वाला है। इनके साथ भारत अब तेजी के साथ में डील्स करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने यहां पर चीन का सबसे बड़ा इलाज कर दिया है। चीन रूस के साथ भारत की दोस्ती तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहा है और रूस पिछले कुछ समय से भारत के साथ में एक वादा किया हुआ था उसको भी तोड़ने में लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों, रूस ने भारत के साथ में वादा किया था कि वो रुपए और रूबल में कारोबार करेगा, डॉलर में नहीं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से रूस ने आनाकानी शुरू कर दी और इसके बावजूद भी भारत ने रूस को आर्थिक रूप से बर्बाद होने से बचाने के लिए उसका कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। भारत इस वक्त भी 16 से लेकर के 18 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीद रहा है और यही कारण है कि रूस की अर्थव्यवस्था इतने वक्त से मजबूती के साथ में टिकी हुई है। लेकिन अब चीन के कहने के बाद रूस अपने वादे से मुकरने लगा है, तो यहां पर भारत ने यूक्रेन के साथ मीटिंग करके रूस के खिलाफ भी एक बड़ा गेम कर दिया है। रूस को इससे क्लियर मैसेज मिल गया है कि वो अगर कुछ भी नेतागिरी करने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो भारत भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वहीं वीटो पावर के लिए भी मोदी ने यूएन चीफ के साथ में सीक्रेट मुलाकात कर ली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं और सही कहूं तो पूरी दुनिया में इस मीटिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि भारत का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। क्या भारत अब यूएन में रहेगा या फिर यूएन से ही बाहर अपना नया ही संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त भारत G20 समिट को आयोजित कर रहा है जिसमें भारत अब ये एक बड़ा गेम कर सकता है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।